गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी नमन क्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन्स। हम लोग अनब्रांच अल्केन का पढ़ चुके हैं नमन क्लेचर, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या ब्रांच अल्केन का। तो ब्रांच अल्केन्स का पढ़ेंगे। अगर आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है पीछे वाला वीडियो से ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन्स। क्या जो भी आपका ब्रांच्ड अल्केन होगा उसका हम क्या पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रूल को देखेंगे। रूल नंबर वन क्या कहता है, फर्स्ट फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। क्या बोला है, फर्स्ट फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, मतलब जो भी कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा जो सबसे बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। दिस चेन विल बी पेरेंट चेन। जो ये जो चेन होगा वही क्या होगा, आपका पेरेंट चेन होगा, जिसको डिनोट करेंगे पी डॉट सी, गिविंग बेस नेम। यही क्या होगा, आपका बेस नेम देगा, कोई दिक्कत है ना। है, अब देखिए समझाते हैं। जैसे आपका CH3, CH2, CH2, फिर CH2 और CH3। अभी ये ब्रांच्ड में नहीं है, ये क्या है आपका अनब्रांच्ड। ठीक है, अनब्रांच्ड। तो देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, 1 2 3 4 और 5, इसका नाम क्या होगा, बेस नेम देंगे, तो ये आपका पेंटेन होगा। क्या होगा, आपका पेंटेन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। जैसे यहां से समझिए, ये क्या है आपका अनब्रांच्ड ही है, लेकिन कितना कार्बन है, तीन कार्बन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। इसका बीच नेम क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रूल नंबर टू, इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूंट इज प्रेजेंट। क्या, जब क्या होगा, ओनली वन सब्स्टिट्यूंट प्रेजेंट रहेगा। सब्स्टिट्यूंट मतलब क्या है, उसका जो है एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, इफ ओनली वन सब्स्टिट्यूंट इज प्रेजेंट इन दिस केस नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साइड व्हिच प्रोवाइड लोअर पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूंट। जो सब्स्टिट्यूंट को क्या करेगा, लोअर पोजीशन देगा, उधर से हमको क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब देखिए समझाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, आपका CH3 है, फिर क्या है CH है, CH3 है। देखिए हमको कार्बन को हमेशा क्या करना है, हमेशा फोर वैलेंसी शो करवाना है। तो देखिए एक लाइन यहाँ है, वन फिर दो और ये तीन, लेकिन एक क्या है आपका, ये जो हाइड्रोजन यहाँ देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन इस तरह है। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन क्या है आपका इस तरह है। समझ में आ गया। तो देखिए अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं, किधर, इधर से नंबरिंग करते हैं, तो 1 2 2 पे क्या आया आपका, मिथाइल ग्रुप आया। ठीक है, अब हम इधर से जब नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 और 5, 4 पे क्या आएगा आपका, मिथाइल ग्रुप आएगा। तो हमको ये जो सब्स्टिट्यूट है उसको लोअर पोजीशन देना है, तो यहाँ लिख दिए लोकेंट नंबर। लोकेंट नंबर क्या है, ये नंबर जो लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, ये पोजीशन वाइज ये क्या कहलाता है आपका, लोकेंट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो 2 पे क्या है आपका, तो 2 पे क्या है आपका मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन करेंगे, 1 2 3 4 और 5, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे, 5 रहेगा तो पेंटेन लिखेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो जब एक सब्स्टिट्यूट रहेगा
तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट को क्या हो लोअर पोजीशन मिले। तो यहाँ कौन सा है, मिथाइल ग्रुप, याद रखना है कि जैसे मान लीजिए सी एच फोर, क्या सी एच फोर ये है सी एच फोर में से अगर हम क्या करेंगे एक हाइड्रोजन हटा लेंगे, मीथेन एन में से एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो ये सी एच थ्री लिखाएगा, क्या लिखाएगा सी एच थ्री लिखाएगा और क्या कहलाएगा ये मिथाइल ग्रुप कहलाएगा, क्या कहलाएगा मिथाइल ग्रुप कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो ये क्या लिखा है आपका टू, देखिए टू पे मिथाइल है, ये क्या है आपका टू पे मिथाइल है ये ना, क्या लिखा है आपका टू मिथाइल ठीक है, एक दो तीन चार पांच तो क्या कर लाएगा टू मिथाइल पेंटेन, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग समझेंगे क्या कहते हैं, नोट करके समझाते हैं आपको। देखिए फर्स्ट राइट टेन द लोकेंट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट, देखिए ये जो आपका लोकेंट नंबर है ये सब्स्टिट्यूट है तो सबसे पहले क्या आएगा टू आएगा, तो यही लिखे यहाँ फर्स्ट राइट द क्या फर्स्ट रिटेन द लोकेंट नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट, तो सब्स्टिट्यूट का ये क्या है आपका लोकेंट नंबर यहाँ लिख दिए ठीक है। Following by dash मतलब dash दे देंगे, then write the name of substitute name, ये देखिए substitute name यहाँ से यहाँ क्या हो गया substitute name, ये क्या लिखा गया आपका methyl, समझ में आ गया name, and name of the substitute finally attached to the base name, तो finally क्या है ये आपका base name है 1 2 3 4 5 pentane, समझ में आ गया। तो यही क्या है पहले लोकेंट नंबर तब सब्स्टिट्यूट का नाम और फाइनली क्या है जो मेन जो है पेरेंट चेन है उसका नाम, समझ में आ गया। अब देखिए आपका इस तरह का अगर कंपाउंड दिया हुआ है तो अब हम लोग को नंबरिंग सोचना है। देखिए नंबरिंग क्या है 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी करते 1 2 फिर क्या होता है यहाँ 3 यहाँ क्या होता है 4 और यहाँ क्या होता है 5 फिर यहाँ 6 और यहाँ 7 ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है इथाइल ग्रुप है, क्या है इथाइल ग्रुप है। कैसे देखिए सी एच थ्री फिर क्या सी एच थ्री है ना सी एच थ्री और सी एस थ्री में से एक हाइड्रोजन हटा दिए, नहीं तो आप क्या लिखाएगा तो सी एस थ्री फिर क्या हो जाएगा सी एच टू, ये क्या कहलाएगा आप जानते हैं ये इथेन है तो उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो क्या हो गया इथाइल हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ क्या लिखा है आपका देखिए इधर से करेंगे तो थ्री पे हो जाएगा और इधर से आते तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइव पे हो जाएगा, नहीं फाइव पे हो जाएगा तो सबसे लोअर पोजीशन सब्स्टिट्यूट का थ्री में है तो यहाँ लिख दिए थ्री इथाइल और सेवन है तो हेप्टेन, समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए रूल थर्ड क्या कहता है, रूल थर्ड कहता है इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट, मतलब क्या जब एक रहेगा और तब तो हम ऊपर देख लिए, अब क्या होगा एक से ज्यादा रहेगा तब हम क्या करेंगे। तो इस केस में देखिए इन दिस केस टू रूल्स आर जनरली अडॉप्टेड, इस केस में क्या होगा दो रूल को हम लोग यूज करेंगे, पहला क्या है आपका सम रूल और दूसरा है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्या रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्या रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसको आर एफ
पीईटी बोलेंगे, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। याद रखना है ये जो आप देख रहे हैं यही बिहेवियर है, मतलब यही रूल क्या होगा यूज होगा, लेकिन दोनों रूल को थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, सम रूल को भी देख लेते हैं और रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। लेकिन हमेशा याद रखना है कि सेकेंड रूल ही क्या है अप्लाई होगा होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सम रूल देखते हैं, सम रूल क्या करता है, दिस रूल स्टेट दैट नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साइड विच प्रोवाइड लोअर सम ऑफ ऑल लोकेंस नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट। क्या कहने का मतलब हुआ, देखिए सम रूल में क्या करना है कि क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से नंबरिंग कर देंगे और जितना भी सब्स्टिट्यूट का पोजीशन होगा उसको जोड़ देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम रूल, दिस रूल स्टेट दैट नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट साइड विच प्रोवाइड लोअर सम ऑफ ऑल लोकेंस नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट। समझाते हैं ये क्या कह रहा है। देखिए मान लीजिए ये आपका एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसको हम घेर दे रहे हैं, ये इस तरह का क्या आपका कंपाउंड दिया हुआ है ना। तो देखिए इसमें दोनों तरफ से पहले तो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन खोज लेंगे, 1 2 3 4 5 6 वाला इधर से 1, तो यहाँ दो तरह से हम नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं इधर नहीं और इधर से भी क्या हो सकता है आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, यहाँ देखिए लोकेंस नंबर कितना पोजीशन पे, 2 पे है, यहाँ कितना पे है, 4 पे है और ये कितना पे है, 5 पे। समझ में आ गया, तो 2 4 और 5, तो क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 5 क्या हो गया 11, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें 2 3 2 3 इधर से लेंगे, तो देखिए 2 पे है क्या मिथाइल ग्रुप है ना, और फिर क्या 3 पे भी क्या है इथाइल ग्रुप है और 5 पर क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे 2 3 2। देखिए 2 और 3 और 5, तो 3 2 5 5 10, मतलब 10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आपको बताए कि सम रूल में क्या करना है, जितना भी सब्स्टिट्यूट का पोजीशन है लोकेंस नंबर है उसको जोड़ देना है, जो सबसे कम आएगा उधर से नंबरिंग कर लेना है। समझ में आ गया, जब हम सम रूल के बारे में जाएंगे तो किधर से जोड़े तो कम आया, इधर से 2 3 और ये क्या 5, तो मेरा नंबरिंग किधर से वैलिड है, इधर से वैलिड है ठीक है। देखिए 1 2 3 3 पे क्या है मेरा, क्या है 3 पे इथाइल है, लिख दिए 3 इथाइल। अब देखिए यहां से 2 पर क्या है मिथाइल है और 5 पे भी क्या है मिथाइल है ठीक है, तो 2 5। देखिए अगर एक सब्स्टिट्यूट 2 बार आता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाई लगाएंगे ठीक है, तो 2 बार आएगा तो डाई, 3 बार आएगा तो ट्रा, 4 बार आएगा तो टेट्रा, तो समझ में आ गया, 5 बार आएगा तो पेंटा, तो यहाँ 2 बार मिथाइल ग्रुप है इसीलिए 2 5 डाई मिथाइल और कितना कार्बन है लॉन्गेस्ट में 6, तो क्या होगा हेक्सेन होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो हम क्या बोलेंगे 3 इथाइल 2 5 2, देखिए यहाँ 2 5 डाई मिथाइल हेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं ना है।
देखिए फिर क्या करते हैं इस केस में, फिर इस तरह का अगर आपको कंपाउंड दे दे और पूछ के नाम बताइए, है ना, नाम बताइए, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कंटिन्यूअस कार्बन चेन खोजेंगे। देखिए ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लॉन्गेस्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन से ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पहले लेफ्ट साइड से सोचते हैं। तो देखिए यहाँ कितना पे है सब्स्टिट्यूट, टू पर है, यहाँ टू लिख दिया। देखिए यहाँ कितना पे सब्स्टिट्यूट है, मतलब ये वाला जो होता है ना वो सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। यहाँ क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूट है, यहाँ क्या है, इथाइल सब्स्टिट्यूट है, यहाँ भी क्या है आपका इथाइल है, तो फाइव पे लिख दिए इथाइल, ठीक है। अब सिक्स पे देखिए ये क्या है आपका, सिक्स पर क्या है, मिथाइल, ठीक है, तो टू थ्री, उसके बाद क्या फाइव, उसके बाद क्या सिक्स, समझ में आ गया, तो एड कर दिए तो क्या हो गया आपका सिक्सटीन हो गया। फिर देखिए इधर से सोचते हैं, इधर से राइट साइड से देखिए वन टू, टू पर भी क्या है मिथाइल है, फिर देखिए आपका थ्री पर भी क्या है इथाइल है, यहाँ भी थ्री पे इथाइल था, ठीक है, उसके बाद क्या है फाइव पे देखिए क्या है आपका इथाइल है, समझ में आ गया, फाइव पे क्या है इथाइल और सिक्स पे क्या है आपका मिथाइल, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो देखिए दोनों में क्या है सेम है, समझिए सेम ग्रुप है, तो चाहे हम लेफ्ट से करें या तो राइट से करें, मतलब देखिए यहाँ टू पे मिथाइल है तो यहाँ भी टू पे क्या है आपका मिथाइल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ थ्री पे क्या है इथाइल है तो यहाँ भी क्या है आपका थ्री पे इथाइल है, यहाँ से सोच रहे हैं, ठीक है, थ्री पे इथाइल है, तो देखिए सेम है, नहीं एक तरह से यहाँ से अगर हम इसको काट देंगे तो सिमेट्रिकल है, देखिए नहीं सिमेट्रिकल है ना, यहाँ से काट देंगे सिमेट्री वाइज है, इसलिए इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब चाहे हम राइट साइड से लिखें या लेफ्ट साइड से लिखें, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं थ्री पे क्या है आपका इथाइल है और फाइव पे इथाइल है, सो थ्री कोमा फाइव लिखते हैं, थ्री कोमा फाइव, तीन और फाइव, ये क्या लिखा गया दो बार इथाइल है इसीलिए डाई इथाइल, ठीक है, थ्री फाइव डाई इथाइल। अब देखिए टू, देखिए टू पे क्या है आपका मिथाइल है और सिक्स पर भी क्या है आपका मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे टू सिक्स डाई मिथाइल, ठीक है, और सेवन है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, तो हम क्या बोलेंगे हेप्टेन बोलेंगे, समझ में आ गया ना, समझ में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम आपको बोले थे कि यही रूल हमको याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जिसका नाम क्या बोलेंगे आरएफईडी बोलेंगे, ठीक है, तो दिस रूल स्टेट दैट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड इज वैलिड व्हिच प्रोवाइड लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। क्या कहने का मतलब हुआ, दिस रूल स्टेट दैट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड इज वैलिड, मतलब नंबरिंग उधर से करेंगे जो फर्स्ट बार, व्हिच प्रोवाइड लोअर नंबर एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, मतलब जो फर्स्ट पॉइंट पे ही डिफरेंस दे देगा, नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं। देखिए वन है, इधर से करेंगे, मान लीजिए इधर से करेंगे क्या होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये इतना क्या हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया ना, समझ में आ गया, ठीक है, और इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये टू पे क्या है आपका मिथाइल है और थ्री पे भी क्या है आपका इथाइल है और फोर पे भी क्या है मिथाइल है, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए पहले हम लोग देखते हैं सम रूल, उसके बाद सोचते हैं। देखिए सम रूल में जब हम लोग इधर से जाते हैं
इधर से जाते हैं, तो ये मेरा क्या है, टू टू है ना, और इधर से क्या है आपका, थ्री है, थ्री पे क्या है आपका, इथाइल है, और फोर पे क्या है आपका, मिथाइल है। तो टू थ्री फोर तो जोड़ने पे कितना हो गया, नाइन हो गया। ठीक है, अब देखिए हम जब इधर से लेते हैं, तो इधर से लेते हैं तो कितना, देखिए थ्री इधर है, देखिए इधर थ्री पे क्या है आपका, मिथाइल है, फोर पे क्या है, इथाइल है, और फाइव पे क्या है आपका, मिथाइल है। एड करने पर हो गया कितना आपका, 12। तो हम लोग देखे कि यहाँ क्या हो रहा है, सम रूल भी है, वैलिड है, नहीं कितना आया जोड़ के, 9 हुआ। लेकिन हमको हमेशा याद रखना है कि आर एफ पी डी, तो इधर से देखिए एक तरह से थर्ड पे है सब्स्टिट्यूट, और इधर से कितना पे है, टू पर है, तो वैलिड कौन सा हुआ आपका, ये वाला, इसी साइड से ना। देखिए देखिए आपका क्या है, थर्ड पे क्या है आपका, इथाइल ग्रुप है, इसीलिए लिखेंगे थ्री इथाइल, देखिए टू, टू पे मिथाइल है, और आपका कितना, फोर पे मिथाइल है, नहीं ले रहे हैं इधर से ना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, थ्री इथाइल टू, टू और फोर, टू फोर डाई मिथाइल, देखिए टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे। कोई दिक्कत है बताइए, अब हम लोग नोट करके देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए नोट, इन मोस्ट केसेस सम रूल एंड आर एफ पी डी एग्रीड विथ इच अदर, बट इन सम केसेस दे अपोज इच अदर। मतलब बहुत सा केस में क्या होगा आपका, सम रूल और आर एफ पी डी दोनों क्या होगा, एग्रीड रहेगा, मतलब वैलिड रहेगा विथ इच अदर, बट इन सम केसेस दे अपोज इच अदर, इन दैट सिचुएशन आर एफ पी डी विल बी फॉलोड एंड सम रूल इग्नोर्ड। उस केस में आपको क्या करना है, सम रूल इग्नोर कर देना है। तो याद रखना है, अब इसके आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे ओनली हम लोग को क्या करना है, आर एफ पी डी रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ही याद रखना है। सो इट इज बेटर टू फॉलो ओनली आर एफ पी डी रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। देखिए मान लीजिए आपको इतना बड़ा कोई कंपाउंड दे दिया, यहां से देखिए यहां से दे दिया ना यहाँ तक आपका कंपाउंड, तो सबसे पहले क्या करना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन खोजना है। तो देखिए जब हम इधर से करते हैं, या तो इधर से कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट में यही ना आएगा आपका, तो 10 हो गया, और इधर से भी हो गया 10। ठीक है, अब हमको सोचना क्या है, सोचना कुछ नहीं है, सम रूल हमको नहीं यूज करना है। वैसे भी देखिए सम रूल हमको यूज नहीं करना, हमको आर एफ पी डी पर चलना है। तो देखिए इधर से हम आते हैं, इधर से टू पे कोई कंपाउंड नहीं है, लेकिन जब हम इधर से आते हैं तो टू पे क्या आता, मिथाइल है, नहीं तो हमको इधर से नंबरिंग करना है। अब देखते हैं सम रूल के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं। देखिए जैसे सम रूल में आएंगे तो इधर कितना है आपका, कितना पे लोकेंट नंबर संख्या कितना है, टू, यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ कितना है आपका, थ्री, थ्री है, यहाँ क्या है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, और सेवन है। तो आप जानते हैं टू पे क्या है आपका, मिथाइल है, और सेवन पे क्या है आपका, इथाइल है, और एट पे भी क्या है आपका, इथाइल है, लिख दिए। अब टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 17 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि हमको सम रूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए इधर से करेंगे तो कितना पे आपका इथाइल ग्रुप है, थर्ड पे लिख दिए थ्री, इसके बाद ये कितना पे है, फोर पे, फोर पे, उसके बाद देखिए ये कितना पे है, नाइन पे। ठीक है, कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अगर सम रूल से आते तो इसका एडिशन क्या है आपका, मिनिमम है, थ्री फोर सेवन और नाइन, 16 हो गया, इसका एडिशन क्या है, मिनिमम है। लेकिन
इसका एडिशन क्या है आपका 17 है। लेकिन आपको हम बताए हैं कि हमेशा अब जब भी हम लोग पढ़ेंगे सम रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। क्या होगा? सम रूल अप्लीकेबल नहीं होगा, ओनली अप्लीकेबल होगा आर एफ पी डी रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। यहाँ सब्स्टिट्यूट कितना पे 3 पे है और यहाँ कितना पे है 2 पर है। समझ में आ गया? तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे? देखिए इधर से हम लोग आएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना 7 और 8 है ना, तो 7 और 8 ले लेंगे और कितना नंबर में 2 में, तो ये क्या लिखाएगा डाई इथाइल, ठीक है। 7 8 डाई इथाइल, देखिए ये कितना है 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल और संख्या कितना है 10 है डीके। समझ में आ गया ना। तो क्या हो जाएगा आपका 7 और 8 कितना 7 8 डाई इथाइल, उसके बाद कितना 2 मिथाइल और 10 नंबर है तो क्या डीके। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हमको याद रखना है कि रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ही क्या है आपका वैलिड है, सम रूल वैलिड नहीं है। समझ में आ गया? अब देखते हैं रूल नंबर 4 क्या करता है। रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? देखिए इफ मोर देन वन आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट, कितना एक मोर देन वन आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट क्या रहेगा प्रेजेंट रहेगा, देन यूज ए सुटेबल प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूट टू इंडिकेटेड इट्स नंबर। जैसे देखिए क्या है आपका, अगर डा है ये ना डा है, इसका मतलब क्या है इफ टू आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट, तो वहां यूज करेंगे किसका डाय का। ट्राय का मतलब क्या है इफ 3 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या यूज होगा आपका ट्राय का। इफ 4 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट तब क्या कहें लिखेंगे हम टेट्रा लिखेंगे। इफ 5 आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट देन क्या लिखेंगे हम लोग पेंटा लिखेंगे। समझ में आ गया? अगर 2 को आइडेंटिकल रहेगा तो डाई लिखेंगे, 3 को आइडेंटिकल रहेगा तो ट्राई लिखेंगे, 4 आइडेंटिकल रहेगा तो टेट्रा लिखेंगे, 5 आइडेंटिकल रहेगा तो पेंटा लिखेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए यहां से मान लीजिए एक आपको हम क्या किए कंपाउंड दे दिए। देखिए इसमें कितना कार्बन है 8 कार्बन। नंबरिंग इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे अभी हमको सोचना पड़ेगा। तो देखिए 1 2 3 3 पे क्या है आपका इथाइल है, 4 पे क्या है आपका मिथाइल है। अगर हम इधर से करते 1 2 ठीक है क्या 3 ये क्या हो जाएगा आपका 4 और ये 5 और ये क्या हो जाएगा आपका 6 और ये 7 और ये 8 ठीक है। तो इधर से हम लोग जाएंगे तो मेरा कितना पे होगा देखिए 4 पे आएगा क्या आपका इथाइल ग्रुप, लेकिन इधर कितना पे इथाइल ग्रुप है 3 पर है, इसीलिए मेरा वैलिड कितना होगा 3 वाला होगा ना कि 4 वाला होगा। समझ में आ गया? अब हम लोग नाम लिखते हैं। देखिए तो हम लोग जानते हैं इसको हम क्या लिखेंगे 3 और ये 5 तो 3 5 दो बार इथाइल ग्रुप आए हैं तो क्या लिखाएगा डाइथाइल। देखिए 4 पे क्या है आपका इधर से ले रहे हैं ना 4 पे क्या है आपका मिथाइल है तो 4 मिथाइल। देखिए कार्बन की संख्या कितना है टोटल 8 है, इसीलिए इसका नाम क्या कहेंगे ऑक्टेन कहेंगे। समझ में आ गया? 3 5
देखिए थ्री पे इथाइल ग्रुप है और फाइव पे क्या है, इथाइल ग्रुप है। थ्री फाइव डाई इथाइल, देखिए यहाँ से फोर मिथाइल ऑक्टेन, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत देखिए रूल फाइव के बारे में बोल देते हैं, क्या रूल फाइव के बारे में देखते हैं। उसके बारे में देखते हैं हम लोग, रूल फाइव के बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए रूल फाइव में हम लोग क्या करेंगे, रूल फाइव में हम लोग देख लेते हैं। रूल फाइव में हम लोग देखेंगे इफ मोर देन वन आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट देन यूज ए सुटेबल प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड रिपीट लोकेंस नंबर और ईच ऑफ देम सेपरेटली। मतलब क्या करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अब देखिए जैसे मान लीजिए ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये कंपाउंड दे रहे हैं आपको, कंपाउंड दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं इस केस में, देखिए इधर से नंबरिंग कर लेते हैं कि इधर से नंबरिंग करेंगे, बताइए किधर से नंबरिंग हम लोग करें, इधर से नंबरिंग होगा तो याद रखना है कि इधर से नंबरिंग करेंगे वन टू फिर क्या थ्री फोर फाइव ये सिक्स और ये क्या सेवन, ये ना होगा। तो इधर से टू पर कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं है, लेकिन देखिए इधर से टू पर सब्स्टिट्यूट है जिसका नाम क्या होगा आपका, जिसका नाम बताइए क्या, जिसका नाम आपका मिथाइल है, ठीक है। तो देखिए मिथाइल है तो हमको याद रखना है, क्या याद रखना है मालूम है, मालूम है कि नहीं मालूम है, सबसे पहले हमको इथाइल ग्रुप का नाम रखना है। देखिए फोर पे क्या है आपका, फोर पे इधर से करेंगे वन टू थ्री फोर, फोर पे क्या है आपका इथाइल है तो क्या लिखेंगे फोर, देखिए फाइव और ऊपर में भी इथाइल ग्रुप है
और यहाँ भी इथाइल ग्रुप है, इसीलिए 5 5, ठीक है, 4 5 5। कितना बार इथाइल ग्रुप आया? 3 बार आया है, इसीलिए क्या लिखा है? ट्राई, ठीक है, इथाइल, ठीक है। अब देखिए 2 2, देखिए 2 पे क्या है आपका? मिथाइल है, फिर क्या है? यहाँ भी मिथाइल है ना, क्या लिखेंगे? 2 2। 4 पर भी क्या है आपका? मिथाइल है, सो 2 2 4, कितना बार यहाँ ट्राई लिखेंगे? मिथाइल, ठीक है। 7 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या होगा? हेप्टेन। समझ में आ गया कि नहीं आया? सो बताइए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं रूल नंबर 6 क्या करता है। देखिए जैसे यहाँ देखे ना, इथाइल और था और यहाँ क्या था? मिथाइल था। तो पहले हम लोग क्या लिए हुए हैं बताइए, क्या लिए हुए हैं? यहाँ इथाइल लिए हैं और बाद में मिथाइल लिए हैं। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एम, ठीक है। तो पहले ई आएगा, उसके बाद क्या होगा? एम आएगा। तो रूल नंबर 6 क्या कहता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पहले बी आएगा, उसके बाद सी आता है, तब डी आता है, तब ई आता है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो जैसे ब्यूटाइल होगा, इथाइल होगा, मिथाइल होगा, प्रोपाइल होगा। सबसे पहले क्या लिखाएगा आपका? ब्यूटाइल लिखाएगा, उसके बाद आपका क्या लिखाएगा? इथाइल लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा आपका? मिथाइल लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा आपका? प्रोपाइल लिखाएगा। कोई दिक्कत देन है। अब रूल नंबर 7 देखिए, जो हम लोग पीछे लिखते आए हैं ना, उसी के बारे में हम समझा रहे हैं आपको। इंडिकेटिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ईटीसी आर नॉट कंसीडर्ड। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ मिथाइल है और यहाँ क्या है? इथाइल है। उसके पहले ट्राई आया है और इसके पहले क्या आया है? डाई आया है। तो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि डी आया है और यहाँ टी आया हुआ है, नहीं? तो पहले डी वाला लिखाना चाहिए, तब टी वाला लिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ याद रखना है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ईटीसी कंसीडर्ड नहीं होता है। ओनली आपका क्या होगा? इथाइल। और ये क्या है? मिथाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, जो भी हो। तो यहाँ क्या लिखाएगा इसमें? सबसे पहले क्या लिखाएगा? इथाइल वाला का, तो उसके पीछे कुछ भी हो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, जो भी हो, तो पहले क्या लिखाएगा? इथाइल लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा? मिथाइल लिखाएगा। ये जो आप जानते हैं प्रीफिक्स लाइक डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सब कंसिडर्ड नहीं किया जाता है, कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। समझ में आ गया? समझ में आया? अब देखिए आपको बताते हैं, जैसे आपको एक कंपाउंड दे दिए, बहुत बड़ा कंपाउंड लग रहा है ना जी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कितना बड़ा आपका हम कंपाउंड दे दिए। देखिए इस केस में हम लोग इधर से नंबरिंग कर सकते हैं या तो इधर से नंबरिंग कर सकते हैं। अगर हम इधर से नंबरिंग करते, ये 1 हो गया, ये क्या है आपका? 1 है, ये क्या है? 2 है, ये क्या होता? 3। 3 पे 2 सब्स्टिट्यूट आता। और इधर से नंबरिंग करते हैं, देखिए 1 और 2, 2 पर क्या है? 2 सब्स्टिट्यूट है। तो हम लोग देखे कि हमको उधर से नंबरिंग करना है जिधर से सब्स्टिट्यूट को क्या हो, लोअर पोजिशन मिले। देखिए 1 2 3 4 5, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 5 पे क्या है आपका? ये इथाइल है। तो ये लिखे हैं आप, हम 5 इथाइल, ठीक है। देखिए 2 2 2 2, ठीक है। तो 2 पे मिथाइल है और 2 पे मिथाइल है, फिर कहाँ पे मिथाइल है? 4 पे मिथाइल है, उसके बाद कितना पे मिथाइल है? ये 5 पे मिथाइल है, उसके बाद कितना है? 6 पर 2 मिथाइल है, एक यहाँ मिथाइल है और एक मिथाइल यहाँ है। तो 5, देखिए 5 इथाइल, ठीक है, 2 2 2 4 5 2 2 4 5 6 6, तो 6 बार आया। तो हेक्सा मिथाइल
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है? 8 है, तो क्या लिखाएगा? ऑक्टेन लिखाएगा। समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? देखिए अब रूल नंबर 8 देखते हैं। क्या देखते हैं? रूल नंबर 8 देखते हैं। देखिए, इफ मोर देन वन चेन कंपीट फॉर पेरेंट चेन, मतलब दो चेन ऐसा हो जो पेरेंट चेन होने के लिए खड़ा हो, नहीं या दिखाता हो कि हम पेरेंट चेन बनेंगे, देन दैट चेन विल बी पेरेंट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। मतलब दो चेन अगर पेरेंट चेन बन रहा है तो उस चेन को ही कंसीडर करेंगे जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट हो। अब समझाते हैं। देखें, अगर हम ये एक कंपाउंड देख रहे हैं ना, सेम कंपाउंड यहाँ है, देखिए क्या आता, सेम कंपाउंड है। जमीन यहां ले लीजिए, यहाँ कितना है आपका, देखिए यहाँ पर 2 है, C2H5 है, देखिए सेम कंपाउंड है। यहाँ देखिए ये CH3 है, यहाँ भी क्या है, ऊपर में CH3, नीचे में CH3, फिर क्या है, यहाँ C है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH है, ठीक है, यहाँ क्या है, CH है, यहाँ H लगा दीजिए तो 4 लाइन हो जाएगा, मतलब 4 बॉन्ड, यहाँ भी क्या होगा आपका, H होगा। समझ में आ गया? देखें यहाँ भी क्या होगा आपका, H होगा, अब देखिए यहाँ क्या करना है, अब दोनों कंपाउंड को गौर से देखिए, सेम है, देखिए यहाँ फिर क्या है, यहाँ सी एच है, यहाँ भी देखिए सी एच है, नीचे में सी एच टू है, यहाँ भी क्या है सी एच थ्री है, फिर क्या है यहाँ सी एच है, फिर सी टू एच फाइव है, यहाँ भी क्या है सी एच है, सी टू एच फाइव है, यहाँ भी सी एच टू है, और यहाँ भी क्या है सी एच थ्री है। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए हम 1 2 3 4 5 6 वाला है, और यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 है, कोई आदमी क्या करेगा कि इसको पेरेंट चेन लेके सोचेगा, जिसको हम अभी क्या किए हुए घेरे हुए हैं, इसको पेरेंट चेन लेकर के सोचेगा, कोई आदमी क्या करेगा इस तरह लेकर के पेरेंट चेन सोचेगा, नहीं लॉन्गेस्ट, तब भी क्या होगा आपका 8 वाला होगा, नहीं तो हम जो नीचे वाला लिए हैं ये इसी तरह लिए हुए, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या होगा आपके पास, इस केस में यही होगा कि जब हम इधर से ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला में लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, वन सब्स्टिट्यूट, क्योंकि यहाँ से ये जुड़ा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम जो घेर देते हैं ये एक तरह से एक सब्स्टिट्यूट का काम करेगा। समझ में आ गया? तो वन और टू ही सब्स्टिट्यूट इसके पास आएगा। लेकिन इसमें देखिए अगर हम इस लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट की संख्या 1 2 3 यहाँ से यहाँ लेंगे 3 और ये क्या 4, तो सब्स्टिट्यूट की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया, तो ये ऊपर वाला चेन कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। समझ में आ गया? नीचे वाला से नाम लिखेंगे, तो देखिए 3 पे क्या है, ये इथाइल है 3, अब देखिए 4 पे भी क्या है इथाइल, तो 3 4 दो बार आया था डाई, क्या हो जाएगा इथाइल, ठीक है। अब देखिए 2 2 2 2 दो बार मिथाइल आया, डाई मिथाइल, और 6 बार हम लिखे हैं 6 कार्बन हो तो हेक्सेन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो 3 4 देखिए 3 4 डाइथाइल 2 2
डाइमिथाइल हेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए, अब हम इस कंपाउंड को लेकर के देखते हैं। देखिए इस केस में क्या है कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो दो तरह से, इधर से भी हम लोग लॉन्गेस्ट चेन खोज सकते हैं और इधर से भी खोज सकते हैं। तो देखिए 1, 2, 2 पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है। देखिए इधर से अगर हम नंबरिंग करते ऊपर से लेते हैं, 2, 2 पे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो नंबरिंग वैलिड किधर से होगा, इधर से होगा। तो 2 पे मिथाइल है। देखिए 3 पे ये जो आप देख रहे हैं, कहीं भी आप देख लीजिएगा ऐसा लिखा हुआ हो CH3CH2, नहीं तो क्या कहलाएगा आपका इथाइल ग्रुप कहलाएगा। तो देखिए 3 पर इथाइल है और 4 पर इथाइल है, ठीक है। तो 3, 4 डाइथाइल, 3, 4 क्या डाइथाइल, देखिए 2, 3, 4 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, समझ में आ गया। तो हम क्या कहेंगे 3, 4, 3, 4 डाइथाइल 2, 3, 4 क्या ट्राइमिथाइल हेक्सेन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रूल नंबर 9, क्या रूल नंबर 9, ठीक है। तो क्या होगा, इफ इफ सब्स्टिट्यूट इज सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड, अब सब्स्टिट्यूट भी क्या हो जाएगा सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड होगा, मतलब उसके अंदर भी क्या हो जाएगा ब्रांचिंग हो जाएगा, देन राइट द नेम ऑफ दैट सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट इन स्मॉल ब्रैकेट, मतलब जो मेरा सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। देखिए अगर हम लोग इधर से पहले नंबरिंग सोचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर से करेंगे 1, 2, 3, इधर 2 पर मिल गया सब्स्टिट्यूट, इधर 2 पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तो नंबरिंग किधर से वैलिड होगा, इधर से वैलिड होगा, समझ में आ गया। अब देखिए 3 पर तो हमको सबसे पहले क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, तो ये मेरा इथाइल है और ये क्या है मिथाइल है, तो पहले क्या लिखा गया इथाइल, तो 3 पर इथाइल, 3 इथाइल, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़े हैं यहाँ substituent is self substituted, then write the name of that self substituted substitute in a small bracket, ये क्या होगा small bracket में लिख देंगे। अब देखिए ये 3 पर ही क्या लगा हुआ है आपका इथाइल भी लगा हुआ है और 3 पर क्या लिखा हुआ है ये self substituted, समझाते हैं क्या करना है कि जब self substituted हो जाए तो उस केस में जहां ये लगाओ वहां स्टार लगा देंगे, लगा दिए, ठीक है। ये 3 पे है, 3 पे कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जहाँ स्टार लगाए उसे पहला जो कार्बन मिलेगा फिर हम लोग पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजेंगे। तो अगर हम इधर भी जाते हैं तो 2 कार्बन है और इधर भी जाते हैं तो 2 कार्बन, तो हम समझ गए कि 2 कार्बन वाला बनेगा। अब फिर क्या करेंगे, पहले तो हम लोग देखेंगे कि जहां से ये जुटा हुआ उसके नीचे जो है ये कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका, वहां से हम डैश लिखेंगे कि 1 और ये 2, तो 1 पे क्या है आपका मिथाइल है, इसीलिए 1 मिथाइल लिख दिए और 2 क्या है इथाइल, ठीक है। सो 1 मिथाइल इथाइल, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए यहाँ से 2, अब देखिए इथाइल तो है नहीं, ये सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट को हम लोग समझ गए कि क्या करना है स्मॉल ब्रैकेट ले लेना है, उसके अंदर
फिर क्या करना है, डैश से नाम लिखना है, वन डैश टू डैश। तो वन डैश पे क्या आता है, मिथाइल है, तो वन डैश मिथाइल और दो कार्बन वाला है, और ये सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड है नहीं, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो दो कार्बन है इसीलिए इथाइल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टू फोर फोर, टू फोर फोर कितना बार मिथाइल आया है, तीन बार, इसलिए ट्राई मिथाइल। फिर क्या है, छह है तो हेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए अब देखते हैं, पहले तो हम लोग इधर से नंबरिंग करेंगे कि इधर से नंबरिंग करेंगे, ये फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले कोई भी हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, या इधर से करेंगे तभी वन, नहीं यहाँ टू होगा, यहाँ क्या होगा थ्री होगा, यहाँ फोर होगा, यहाँ फाइव होगा, यहाँ सिक्स होगा, यहाँ सेवन होगा और यहाँ एट हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हमको खोजना है कि कहाँ इथाइल ग्रुप है, तो हम लोग देखें कि इधर से हम जाते हैं, देखिए आपको बता रहे हैं इधर से जाते हैं, तो एक है ये क्या है दो पहले, और देखिए इधर से वन है और इधर ये क्या है टू है। देखिए यहाँ फर्स्ट पे क्या है आपका, एक मिथाइल है, और यहाँ फर्स्ट पे कितना मिथाइल है बताइए, कितना मिथाइल, दो मिथाइल है। तो नंबरिंग किधर से वैलिड होगा, तो देखिए जब भी सेकेंड पे यहाँ एक मिथाइल है और यहाँ क्या है, यहाँ पे दो मिथाइल है, ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखना है इस केस में, इस केस में यहाँ क्या हो गया आपका, दो मिथाइल है और यहाँ क्या है एक मिथाइल है, तो नंबरिंग किधर से वैलिड होगा बताइए, किधर से वैलिड होगा नंबरिंग, बताइए किधर से नंबरिंग वैलिड होगा। तो इस केस में आपका नंबरिंग वैलिड होगा इधर से। अब देखिए इसमें क्या है, सिक्स पे, सो आप लोग ट्राई कीजिए मेरे साथ, देखिए देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, सिक्स इथाइल इधर है कहीं नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका सिक्स, सिक्स इथाइल, ठीक सिक्स इथाइल। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले सबसे पहले हमको यहाँ स्टार लगा देना है। अब इससे जो सटा हुआ है ये वन डैश, ये कितना टू डैश और ये कितना थ्री डैश। फिर क्या करेंगे, ये कितना पे लगा हुआ है, ये फोर पे, हम लोग पढ़े क्या करेंगे फोर यहाँ लिख देंगे, क्या करेंगे यहाँ हम लोग पहले फोर लिख देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितना पे ये मिथाइल है, एक मिथाइल और ये दो मिथाइल ये है, तो हम लोग अंदर में लिखेंगे टू डैश, टू डैश कोमा टू डैश, ठीक है डाई मिथाइल या डाई मिथाइल डाइमिथाइल सिक्स इथाइल, ठीक है फिर कितना फोर फोर स्मॉल ब्रैकेट टू डैश टू डैश डाइमिथाइल मिथाइल। अब क्या हो जाएगा वन टू थ्री, तो प्रोफाइल क्या लिखेंगे, प्रो P
PROPYN प्रोफाइल, समझ में आ गया। अब देखिए मेरे पास मीथेन कहाँ कहाँ है। मीथेन मतलब एक हाइड्रोजन निकला हुआ, मिथाइल, ठीक है। तो मिथाइल कहाँ कहाँ है, ये ना मीथेन में से एक निकल गया, तो मीथेन निकाल दिया तो क्या हुआ, मिथाइल हो गया। देखिए यहाँ है तो क्या करेंगे, लिखेंगे टू, फिर खोजेंगे टू टू टू। देखिए फोर पे है, फोर टू टू फोर, फोर के बाद क्या है सिक्स, टू टू फोर सिक्स, फिर क्या सेवन, टू 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 फोर सिक्स सेवन, है ना। टू 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 पे दो है, इसके बाद मेरा किस पर फोर पे है, उसके बाद किस पर है सिक्स पर है, उसके बाद किस पर है सेवन पे। टू टू फोर सिक्स सेवन, पांच है पेंटा, पेंटा पेंटा मिथाइल, मिथाइल ऑक्टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट है तो क्या होगा ऑक्टेन होगा, ऑक्टेन हो जाएगा, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे सिक्स इथाइल, ठीक है फोर, ठीक है फोर में फिर क्या टू डैश टू डैश टू डैश टू डैश डाइमिथाइल, ठीक है। अब देखिए एक दो तीन क्या हो जाएगा प्रोफाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन होता है तो क्या हो गया प्रोफाइल, ठीक है। अब देखिए टू 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 फोर फोर, फिर क्या सिक्स सेवन, टू टू फोर सिक्स सेवन, पांच हो गया वन टू थ्री फोर फाइव पेंटा मिथाइल, क्या हो गया आठ है तो ऑक्टेन, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। देखिए अब हम लोग रूल नंबर दस देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए रूल नंबर दस बोलता है इफ मोर देन वन आइडेंटिकल सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट, क्या इफ मोर देन वन आइडेंटिकल सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट आर प्रेजेंट देन यूज ए सुटेबल प्रीफिक्स बिफोर द नेम of substituted substitute to indicate its number। अगर जो मेरा इससे पहले तो substitute के बारे में पढ़ रहे थे, अब मेरा क्या हो गया जो substitute था वो भी क्या हो जाएगा self substituted होगा, मतलब उसके अंदर भी क्या हो जाएगा branching हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में if more than one identical self substituted substitute are present then use a suitable prefix before the name of substituted substitute to indicate its number। अब देखिए उस केस में हम 20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, क्या 20 मतलब if two identical self substituted substitute रहेगा, मतलब substitute भी क्या होगा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, मतलब उसके अंदर भी क्या होगा ब्रांचिंग होगा। जैसे ट्रीज इफ थ्री आइडेंटिकल सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट रहेगा तब क्या लिखेंगे ट्रीज लिखेंगे। देखिए टेट्राकिस, टेट्राकिस में क्या लिखेंगे इफ फोर
आइडेंटिकल सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट रहेगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, टेट्राकी से लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए ये, देखिए ये जो आपका घेरे हुए हैं ये भी क्या है, देखिए दोनों क्या है आपका सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। आपको हम बताए हैं कि जो भी सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड रहता है वो जिससे जुड़ा हुआ रहता है वहां हम क्या करते हैं, पहले स्टार दे देते हैं, दे दिए स्टार। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है सेम है, तो आपको बताए हैं यहाँ देखिए ऊपर में क्या बताए कि अगर आपका दो को सब्स्टिट्यूट ऐसा रहेगा जो सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड रहेगा तो उसके जगह क्या यूज करना है, बी सी यूज करना है। क्या बी सी यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर से हम जब नंबरिंग करेंगे और इधर से जब हम नंबरिंग करते हैं नहीं, तो देखिए सेकेंड पे, देखिए यहाँ से सेकेंड पे क्या है आपका वन अगर लेते वन और टू, ठीक, और इधर से भी क्या है वन और टू, इधर भी मिथाइल और इधर भी क्या है मिथाइल। अब देखिए इधर थ्री पर, थ्री पर एक सब्स्टिट्यूट नहीं, और इधर थ्री पर क्या है दो सब्स्टिट्यूट है, एक सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट है और एक क्या आपका इथाइल है। ठीक है, तो नंबरिंग किधर से वैलिड होगा, देखिए नंबरिंग इधर से वैलिड होगा, समझ में आ गया। फर्स्ट दोनों में सेम है नहीं, टू टू पे मिथाइल है, फिर देखिए थ्री और थ्री पे यहाँ सिर्फ खाली क्या है सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट है और यहाँ थ्री पे दो वो सब्स्टिट्यूट है, तो उधर से नंबरिंग करना है जिधर से देखिए टू टू कॉमन है, यहाँ थ्री पे एक है और यहाँ क्या है थ्री पे दो है, इसलिए वैलिड किधर से होगा लेफ्ट साइड से होगा, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें खोजना है तो हम लोग जानते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट, ये आपका क्या है इथाइल है और ये क्या है आपका मिथाइल है और ये भी क्या है आपका मिथाइल है। ठीक है, तो देखिए कितना पे इथाइल, थ्री पे इथाइल, तो थ्री इथाइल, ये समझ में आ गया। अब देखिए थ्री और फोर, थ्री कोमा फोर, देखिए दो को क्या है सेल्फ सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूट है, उसके जगह हम क्या लिखेंगे दो बार आ गया बीस, स्मॉल ब्रैकेट दे दिए। अब देखिए जहां ये जुड़ा हुआ रहा था फर्स्ट कार्बन पे वन डैश लिखते हैं और टू डैश, चाहे इधर जाते तभी क्या होता टू डैश, तो एक सब्स्टिट्यूट रहता जिसका नाम मिथाइल, तो मिथाइल मेरा किस पर जुटा हुआ है, देखिए वन डैश पे ही जुटा हुआ है, तो वन मिथाइल, वन और टू क्या लिखा गया इथाइल, तो वन डैश मिथाइल इथाइल, समझ में आ गया। यहाँ क्या है आपका वन डैश मिथाइल इथाइल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपका मिथाइल खाली खोजेंगे तो क्या है टू पे मिथाइल है और देखिए टू पे मिथाइल है और फाइव पे मिथाइल है, तो टू फाइव डाई मिथाइल दो बार है। ठीक है, अब देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इतना बड़ा कंपाउंड दिए हैं, देखने में लगता है बहुत बड़ा है कैसे होगा, लेकिन ये सबसे इजी है, आप लोग समझ नहीं आएगा। देखिए आप क्या कीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद अपने से ट्राई करिएगा। देखिए जो जो हम घेर रहे हैं, इसका डायग्राम देखिए और इसका डायग्राम देखिए, फिर इसका डायग्राम देखिए, ये तीनों डायग्राम के हाथ में एक जैसा है ना। ठीक है, अब हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, अब सोचेंगे। देखिए आपके दिमाग में होगा कि हम इधर से क्यों नहीं किए, देखिए इधर से करते हैं तो दो पे क्या है दो वो मिथाइल है, यहाँ भी इधर से करेंगे वन टू, ये क्या हो जाएगा थ्री, समझाते हैं। देखिए टू पे क्या है दो मिथाइल है, इधर टू पे क्या है दो मिथाइल है, अब थ्री पे देखिए थ्री पे क्या है ये इथाइल है और यहाँ थ्री पे क्या है आपका इथाइल और सेल्फ सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो थ्री पे यहाँ क्या हो गया टू सब्स्टिट्यूट हो गया और यहाँ थ्री पे क्या है वन सब्स्टिट्यूट,
नंबरिंग किधर से वैलिड होगा? इधर से होगा, कोई दिक्कत है? नहीं है। सबसे पहले हमको इथाइल लिखना है विदाउट सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचते हैं तो इथाइल आपका देखिए थ्री पे इथाइल है एक, फिर कितना फोर पे इथाइल है, लिख दिए थ्री, यहाँ पहले थ्री उसके बाद फोर, उसके बाद देखिए सिक्स पर इथाइल है तो सिक्स, ठीक है। कितना नंबर में है तो तीन है, इसीलिए ट्राई लिख दिए, ठीक है। अब क्या है आपका इथाइल है तो क्या हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा। अब देखिए अब ये तीन को सब्स्टिट्यूट जो है ये वन, देखिए यहाँ वन, ठीक है टू और ये थ्री, ठीक है। तो क्या थ्री फाइव फाइव, थ्री फाइव फाइव, तो तीन बार सेल्फ सब्स्टिट्यूट आएगा तो क्या लिखाएगा ट्रीज, लिखाएगा टी आर आई एस ट्रीज। अब हम क्या की स्मॉल ब्रैकेट ले लिए हम लोग पढ़े ऊपर, फिर क्या करेंगे डैश से सोचेंगे, नहीं कहीं किसी में भी ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका वन डैश, ये क्या हो जाएगा आपका टू डैश। तो वन डैश पे चाहे यहाँ भी लेंगे तो वही होगा, यहाँ भी लेंगे तो वन डैश और ये क्या टू डैश, समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे हम लोग ट्रीस, देखिए वन टू और थ्री तीनों एक जैसा है, ट्रीस वन डैश, ठीक है वन डैश, वन डैश कोमा वन डैश, एक मिथाइल है और ये फिर क्या है इधरों मिथाइल है, तो वन डैश डाई मिथाइल, फिर वन और टू क्या लिखाएगा इथाइल लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और स्मॉल ब्रैकेट बंद कर दिए हैं, देखिए तो इस केस में आपका मिथाइल भी लेंगे ना, तो मिथाइल भी लेंगे। चलिए नहीं समझ में आया तो फिर से समझाता हूँ, देखिए यहाँ क्या करना है। तो हम लोग देखे कि ये तीन को ब्रांचिंग है, तीन को ब्रांचिंग है ना, तो फिर क्या होगा हम लोग देख लिए कि ट्रीस है, यहाँ देखिए वन डैश टू डैश, तो वन डैश पे कितना मिथाइल एक और दो, तो वन वन डाई क्या हो जाएगा डाई मिथाइल, फिर क्या हो जाएगा दो कार्बन है तो इथाइल डैश। अब देखिए यहाँ जो है अब हमारे पास मिथाइल छूट गया है ना, देखिए एक दो फिर कितना तीन और चार, तो हम क्या लिखेंगे टू 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 सेवन सेवन, फोर संख्या में है वन टू थ्री फोर, टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन। नहीं समझ में है? नहीं समझ में आया? चलिए आपको हम फिर से बताते हैं, देखिए इस केस में हम लोग जानते हैं थ्री फोर सिक्स, देखिए थ्री फोर और क्या सिक्स, थ्री फोर सिक्स, थ्री फोर सिक्स, थ्री थ्री फोर सिक्स, समझ में आ गया थ्री फोर सिक्स ट्राई इथाइल होगा, ठीक है। अब देखिए थ्री फाइव फाइव, थ्री फाइव फाइव तीन बार आए हैं इसीलिए क्या लिखाएगा ट्रीस लिखाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे वन डैश टू डैश, जहाँ जुटा हुआ रहा था वहाँ क्या करते हैं स्टार लगाते हैं, फिर क्या डैश चाहे यहाँ लिखिए चाहे वहाँ लिखिए, तो क्या लिखाएगा आपका वन डैश टू डैश, कि कितना वन डैश टू डैश, तो वन डैश पे कितना मिथाइल वन डैश डाई मिथाइल क्या इथाइल डैश, कितना हो जाएगा टू टू सेवन सेवन, देखिए यहाँ सेवन सेवन टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, आठ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑक्टेन हो जाएगा, समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, आप हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।